अस्सलामु अलैकुम। आज का सवाल ये है कि किन लोगों से ताल्लुक़ कम रखना चाहिए। कम रखने का मतलब ये है कि थोड़ी सी खामोशी इख्तियार कर ली जाए। कुछ ताल्लुक़ ऐसे होते हैं जो बहुत नागुज़ीर होते हैं, जिनके बगैर रहा नहीं जा सकता, बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे आपका लाइफ पार्टनर हो गया, कोई फैमिली मेम्बर हो गया या वालदैन हो गए, उनसे ताल्लुक़ आप कम्प्लीटली ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन उनको किसी ना किसी तरीके से हैंडल करने की कोशिश करनी पड़ती है। तो उनके लिए क्या होता है कि आप उनमें केयर ऐड कर दें। जितनी आप उनकी केयर करेंगे, अपने इमोशंस को कम करेंगे, उनकी केयर ज़्यादा करेंगे तो वो खुश रहेंगे। और अगर आप इमोशंस को कम नहीं करते तो इससे क्या होगा कि वो आप हर्ट होना शुरू हो जाएंगे, उनके जो डिसऑर्डर्स हैं वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे। खुदा ना करे कि किसी की भी ज़िंदगी में कोई ऐसा बंदा है, किसी ऐसे बंदे को फेस करना पड़े जो कि ज़हनी मरीज़ हो, उसे OCD हो या बाइपोलर डिसऑर्डर हो या शिज़ोफ्रेनिया का मर्ज़ लाहक हो, तो ऐसे इंसान को ना तो छोड़ा जा सकता है और ना ही उसके साथ खुश रहा जा सकता है, क्योंकि जो चीज़ उसके मुताबिक ठीक होती है वो असल में ठीक नहीं होती। इसका सबसे आसान हल ये है कि उसको केयर दो, मोहब्बत दो, उसका एहतराम करो। और निकालना किस शख्स को चाहिए, उस शख्स को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें जिसके बारे में आपको 100% यकीन हो कि ये आपकी एनर्जी ज़ाया कर रहा है या वक्त ज़ाया कर रहा है, और इसके बावजूद और इसके अलावा वो आपकी उम्मीदें आपसे छीन रहा है या आपको नुकसान पहुंचा रहा है। तो ऐसे शख्स को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, क्योंकि ऐसा शख्स आपको नुकसान देने के अलावा और कोई फ़ायदा भी नहीं दे सकता है। ऐसे इंसान को ज़िंदगी में रखो जो कम से कम नुकसान ना दे आपको, फ़ायदा चाहे दे ना दे लेकिन नुकसान ना दे। नुकसान देने वाले को अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। शुक्रिया।